الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم وشهر مبارك صدق الله وصدق رسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अल्ला मबारिका मोहम्मद माला आल महम्मदिन कम मबारक तला इब्राहीम वाल आल इब्राहिम इनका मजीद तमाम देखने वाले सुनने वाले हजरात को दिल की गहराइयों से अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वबरक इस दुआ के साथ आज की गुफ्तगू की इब्तिदा करता हूँ कि इस रहमत नहीं बल्कि रहमतों भरे महीने की रहमतों से अल्लाह पाक हमें से किसी को महरूम न करे बल्कि हर एक के दिल में हर एक के घर में हर एक के वजूद में हर एक की ज़िंदगी में हर एक के ख़ानदान में अल्लाह पाक इस महीने की रहमतों का वाफिर फिर मकदार में हिस्से का नज़ुल फरमाएँ और अल्लाह हम सब को माला माल फरमाए कल अपने तीसरे मुखलिस बेहतरीन यार हमदम गमखार हमदर्द बेगर्ज मोहब्बत रखने वाले इस इस्मा मुबारक मुबारक के बारे में कुछ बातें अर्ज़ की थी आज भी उसी ही सिलसिले को चलाते हैं हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तू कि उस लंबी और बड़ी तफसीली हदीस से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वम ने पहले तो इस महीने की अज़मत को लोगों में बिठाया और मैंने अर्ज किया था कि अजमत क्या होती है फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया लोगो बरकतों वाला महीना बरकतों भरा महीना तुम्हारे ऊपर साया करने वाला है ये बरकत क्या है ये जो महीना हमारे लिए बरकतों भरा बन के आया है वो बरकतें क्या हैं याद रखिएगा हमारे मुआशरे में दो लफ्ज़ आम बोले जाते हैं एक होता है कसरत और एक होती है बरकत कसरत होता है किसी चीज़ का ज़्यादा हो जाना मसलन माल का ज़्यादा और हम में से हर बंदा अल्लाह से माल ज्यादा मांगता है कोई गुनाह नहीं मांगी अल्लाह से उसकी शान के मुताबिक उससे मांगी, ज्यादा मांगी, लेकिन थोड़ा सा जबान से इतना कह दिया करें कि अल्लाह उसमें बरकत हो कभी कभी बहुत ज्यादा होता है रातों को नींद नहीं आती बहुत ज्यादा होता है वो हिमाल तख्ते पे चढ़ा देता बहुत होता है घर वाले दुश्मन हो जाते बहुत होता है आदमी फिरौन बन जाता मगरूर बन जाता मुतकबर बन जाता किसी को भी हिच में नहीं लाता वो अपनी मस्ती में अपने गुरूर में अगर उसमें बरकत हो जाए तो चूंकि बरकत वो होती है जो अल्लाह की तरफ से होती है मुकद्दस बरकत यानी उस माल के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से खैर और खूबी डाल दी जाती है कभी कभी थोड़ा होता है बरकत बहुत होती है, और आदमी बेहतरीन खुश जिंदगी को गुजारता है माल दुश्मनियों को पैदा करता है ज्यादा हो जाए इसलिए अल्लाह से मांगिए लेकिन थोड़ा सा उसमें अल्लाह से बरकत को मांग लें, बरकत जो उस माल के अंदर अल्लाह अपनी तरफ से खैर और खूबी और बेहतरी रखता है बरकत इसे कहा जाता है मैंने एक दफा कुछ चालीस साल पहले एक दफा अपने वालिद मरहूम से यही पूछा था कि अब्बा जी बरकत क्या होती है बल्कि मुबारक की ही शायद यही हदीस का वो दर्श दे रहे थे तो मैंने पूछा कि बरकत क्या होती है कहा घर चल के तो मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूंगा बल्कि घर क्या जाना था थोड़ी देर के बाद मस्जिद ही में मेरा हाथ पकड़कर मस्जिद की जहाँ मोटर लगी हुई थी पानी की मुझे वहां ले गए कहने लगा आओ मैं तुम्हें समझाऊँ कहने लगे आओ मैं तुम्हें तुम्हें समझाऊ बरकत क्या होती है ये जो मोटर है ना तुम्हारे पैदा होने से पहले ही हमने लगवाई थी और ये आज तीस साल हो गए चल रही है आज तक कभी इसने खराब होने का नाम नहीं लिया इसे बरकत कहते हैं। हमें आज तक ने परेशान नहीं किया वो माल क्या जो आदमी को परेशान कर दे चौकीदार रखने पड़ जाएं, सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ जाएं, फिर भी डाका पड़ जाता है कभी कभी सिक्योरिटी वाले खुद ही डाका डाल लेते हैं चौकीदार खुद ही रहजन बन जाते हैं वो माल जो आदमी को बेफिक्र कर दे जिसमें अल्लाह पाक अपनी तरफ से ऐसी खैर डाल दे कभी कहीं से सुना है कि किसी अल्लाह के घर में या किसी बंदे के घर में चलने वाली मोटर तीस साल तक बगैर किसी रुकावट के काम कर दे कहा बरकत कहा जाती फिर एक दरिया था इल्म का माशाल्लाह। कह लगे आओ कुरान पाक में अल्लाह इशाद फरमाते हैं इन अवल बिन वास लल्लजी बिबक्कत मुबारक बेशक पहला घर जो इस जमीन पे बना वो अल्लाह का है और उसमें बरकतें ही बरकतें हैं क्या बरकतें हैं फरमाया के पहली बात मक्का छोटा सा शहर है लेकिन कभी कभी चालीस लाख पचास लाख तक आदमी हज पे गया व उसमें समा जाता और फिर एक हदीस भी आती है कि मीना का जो मैदान है ये माँ के रहम की तरह है बच्चा छोटा होता है रहम छोटा होता है बच्चा बढ़ता जाता है रहम बढ़ता जाता है जैसे जैसे हाजियों की तादाद बढ़ती जाती है मीना का मैदान बढ़ता जाता है बरकत की एक मिसाल फिर इर्शाद फरमाया कि 120 रहमतें हर वक्त अल्लाह के काबे पर तजल्ली की उतरती हैं अल्लाह वहां बैठे नहीं है कि जिसको अल्लाह का घर कहा जाता है वो अल्लाह की तजली का मरकज है साठ रहमतें तो सिर्फ तवाफ करने वाला अपनी झोली में समेटता है बीस रहमतें नमाज पढ़ने वाला भी समेटता है और बीस रामते तिलावत करने वाला जिक्रो अस्कार करने वाला भी समेटता ये सो हो जाती है। एक आदमी कुछ भी नहीं करता वो सिर्फ बैठा देख रहा होता अल्लाह के काबे को देख रहा होता रहमत की छमछम बारिश का हिस्सा उसको भी मिल जाता है दस हिस्से वो भी ले आता है खाली अल्लाह उसको भी नहीं रहने देता किसी बीमार आदमी ने बच्चे ने औरत ने मजबूरी के दिनों में रोज़ा नहीं रखना वो सहरी भी रोज़ेदारों के साथ कर ले इफ्तारी भी रोज़ेदारों के साथ कर ले अल्लाह खाली उसको भी नहीं लौटता उसको भी रोज़े का सवाब मिल जाए झोली अल्लाह उसकी भी खाली नहीं रहने देता रोज़ेदार के लिए बड़ी अजीब हदीस मिलती है कि जब आप वसल्लम फतेह मक्का के लिए मदीना पाक से रवाना होते हैं इजाज़त थी जो रोजे रख सकता है रख ले जो नहीं रख सकता ना रखे आप अलैहि वसल्लम ने भी सफर में वादी असफान तक तो रोजा रखा फिर आप अलैहि वसल्लम ने भी इफ्तार फरमाया पानी पीकर अब जिन्होंने रोजे नहीं रखे हुए होते थे साहबा किराम ने वो रोजेदारों से आगे भागते थे जाकर उनके लिए अगली मंजिल पर साय का पानी का साइबान का बंदोबस्त करते थे कि हमारे रोज़ेदार आए तो आराम से साय में लेट जाए एक दिन रोज़ेदारों को जिन्होंने इफ्तार किया हुआ था ऐसा राहत और सुकून का सामान पहुंचाया कि जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे सुकून महसूस किया लेटे आप अलैहि वसल्लम ने निशाद फरमाया कि आज इफ्तार वाले रोज़ेदारों से भी सवाब में आगे बढ़ गए सवाब में आगे बढ़ गए ये बरकत का एक माना है तीसरी चीज एक नमाज पढ़ी तो एक लाख का सवाब। यह कितनी बरकत है एक कुरान पढ़ा तो एक लाख का सवाब। बरकत ही बरकत एक पैसा अल्लाह की राह में खर्च किया तो एक लाख का सवाब। बरकत ही बरकत एक दफा कहा अल्लाह लाख दफा अल्लाह कहने का सवाब, एक दफा दरूद पाक जनाब नबीकरीम सलातम की झाते अकदस में पढ़ा एक लाख दरूद सलाम का सवाब, ये बरकतें हैं कि एक चीज है थोड़ी लेकिन दर्जे में बढ़ जाती है दर्जे में बढ़ जाती इसी तरह कुरान पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफरे मेराज को जो बयान किया गया तो फरमाया सुबहानल्लि असरा बेअी ही लई लमिन मस्जिद मस्जिदी बारकना हूलहू ले ना यहाँ की बरकतें तो थी ही थी मुल्क शाम भी बरकतों वाला मुल्क है और उस बरकतों वाले मुल्क में मस्जिद अक्सा भी बरकतों वाली जगह है मक्के में तो अल्लाह पाक ने अपने एक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया मुल्क शाम के अंदर तो अल्लाह ने हजारों नबियों को पैदा फरमाया हती के हदीस के अंदर फरमाया गया मुल्क शाम की ज़मीन के अंदर भी बरकत है मुल्क शाम के पानी के अंदर भी बरकत है मुल्क शाम की आबो हवा में भी बरकत हमें नहीं पता चल सका गैरों को पता चल गया है शायद इसीलिए आज तक वहाँ लड़ाइयाँ हैं गैर भी उस मुल्क पर कब्जा करना चाहते हैं इसलिए कि मुसलमानों के पैगम्बर ने कहा है कि इस ज़मीन के अंदर भी बरकत है ये फिर बरकतें और क्या हैं अंबिया की यादगारें हैं वो किबला काबा है जो पुराने अम्बिया का रहा बनाने वाले भी अल्लाह के नबी जिसको मकदस भी कहा गया जिसको मस्जिद अक्सा भी कहा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफर की वो एक मंजिल है जिसे कुरान ने सैर कहा फिर वहां से आगे जो आपका सफर होता है मलाय आला के जिसको कुरान ने मेराज का नाम दिया है बरकत शायद आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे हूं एक और चीज कुरान बड़ी अजीब बयान करता है शाहजारा तम जैतून तिल्ला गरबिया, ये जैतून के दरख्त के अंदर भी बरकत है हालांकि और दरख्तों के अंदर भी बरकत है सदका जारिया है दरख्त लगाना लेकिन जैतून का नाम लेकर खास तौर पर फरमाया कि इस दरख्त में बरकत ही बरकत है ये आजकल हम खानों में जितने भी तेल घी इस्तेमाल करते हैं हर तेल और घी दिल की शरीनों को बंद करने वाला है एक जैतून का तेल ऐसा है जो बंद श्रेयानों को खोलने वाला है। बंद रगों को खोलने वाला है इसलिए अल्लाह पाक ने एक और जगह शाद फरमाया व तीन जैतून, उस बूटे के अंदर अल्लाह ने इतनी खैर रखी है जड़ों में शाखों में फल उसका गरीन हो या फल उसका स्याह हो या फल उसका बिलू हो वो दुनिया में कहीं भी होता है अल्लाह पाक ने उसमें बरकत ही बरकत रखी मेरी तरह वो हजरात जो हार्ट के पेशेंट हैं मरीज हैं अगर जैतून के तेल को खाने पीने में हत्ता के पराठा भी अगर खाएं जैतून के तेल का तो ये शर्तिया चीज है कि दो चार महीने के बाद चेकअप करा ले तो डॉक्टर कहेगा शरियाने खुल गई हैं शरियाने खुल गई हैं इसके अंदर भी अल्लाह ने बरकत रखी अब ये क्या है सारी अल्लाह की तरफ से उसके अंदर खैर आ रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने आकर कहा या रसूल वसल्लम माल की बड़ी तंगी है आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने निषाद फरमाया मजाक भी है और हकीकत भी फरमा शादी कर लो नाइन्टी फाइव परसेंट आप तनखा होते हैं तजर्बे की चीज़ें हैं आपकी तनख्वाह कम होती है जब शादी होती है तो खुद ब खुद तनख्वाह बढ़ जाती है कंपनी वालों को पता चलता है कि अब ये एक की जगह दो हो गए हैं तो वो खुद ब खुद तनख्वाह बढ़ा देते कहीं लिख के देना पड़ता है तो भी बढ़ जाती है और जैसे ही अल्लाह पाक घर के अंदर एक बच्चा देता है तो अल्लाह फिर रिस्क को और बढ़ा देता जो आता है वो अपने रिस्क को लेके आता है और एक बार तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ भी इर्शाद फरमाया शिकायत की गई या रसूल अल्लाह माल की बड़ी तंगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्षाद फरमाया हज हाँ जुमरे कसरत से करो हज हाँ उमरा कसरत से करने से भी अल्लाह पाक रिस्क में बरकत दे देता और ये ये भी तजर्बे की चीज़ है आप बड़े बड़े ओलमा को देखें किसी की भी हिस्ट्री और जिंदगी को पढ़ें तो पता चलेगा कि साहब इन्होंने साठ हज किए, इन्होंने सत्तर हज किए, इन्होंने चालीस हज किए। और जब उनकी मालदारी को देखा जाता है तो मालूम होता है कि सिवाय मस्जिद और मदरसे के तो कुछ भी नहीं अल्लाह पाक हसद करने वाले हसद करते रहते हैं जलने वाले जलते रहते हैं लेकिन अल्लाह देता है वो कहां से देता है ये वो ही जानता है, खुद ब खुद खजाना गैब से वो बंदोबस्त करता है, रिस्क में बरकत होती है। और कुरान ने तो यूं कहा कि अगर तुम तकवे को इख्तियार कर लो तो आसमान से रिश के दरवाजे खुल जाएंगे चूंकि का दरवाजा ऊपर से खुलता है, इसकी चाबी वहां होती है और चाबी कब लगती है जब मेरे दिल के अंदर तकवा आता है मैं तकवे को इख्तियार करता हूं तो वो रिश् के दरवाजों को खोल देता आइए अपनी बात की तरफ आते हैं आप ने अल्लाह फरमाया शाहरुन मुबारक बरकतों वाला महीना कितनी बरकत आप खुद मेरी इस बात की गवाही भी देंगे और तनहा बैठ कर भी सोचिए मेरे दस्तरखान पर इफ्तारी के वक्त जिंदगी में कभी वो नेमतें नहीं होती जो इस महीने में होती शहरी में अगरचे अब बरकत कैसे उतरती है निमते तो है बंदा सोचता है मैंने यह भी खाना है मैंने यह भी खाना है मैंने यह भी खाना लेकिन होता क्या है वो बंदे नहीं जो ज्यादा खाने वाले हैं साहेब ईमान आदमी जिसके दिल में ईमान ने जगह पकड़ी हुई है वो थोड़ा सा खाकर भी सैर हो जाते पेट भर जाता अल्लाह उसके अंदर इतनी बरकत डाल अच्छा इसी पे याद आया एक हदीस है, जब खाना आता है ना बंदे का तो प्लेट में जो सालन होता है या चावल होते हैं सेंटर में पाक की तरफ से बरकत उतारी हुई होती है खाने में इसलिए हमें कहा गया है कि सबसे पहले सेंटर के अंदर हाथ ना मारा करो अपने सामने से अपने करीब करीब से खाया करो बरकत रहने दिया करो बचा के अंदर थोड़ी जो आखिर तक चलती रहे कैसे बरकत होती नींद पूरी नहीं होती लेकिन अल्लाह की शान है ग्यारह बारह बजे एक बजे भी सोने वाला शहरी की फिक्र होती है तो दो बजे खुद खुद उठ के बैठ जाता है लगता है पूरी रात गुजर गई ये हर एक के साथ होता है बिलखसूस मेरी वो बहने मेरी वो बेटियाँ जो घरों में सहरी बनाती हैं जिनको फिक्र होती है वो रात को लेट भी सोएं, तो सहरी बनाने के लिए जब उठती हैं अलार्म बजता है या कोई उठाता है तो महसूस होता है ओहो मैंने तो सारी रात सो के गुजार ली नींद के अंदर भी अल्लाह पाकबर कर डाले और दूसरी तरफ हदीस के अंदर फरमाया गया रोजेदार सोता है तो उसकी नींद में ऐसी बरकत होती है कि अल्लाह फरिश्तों से कहता है नेकियों में लिख दो इसका सोना भी ये कुरान पढ़ रहा है अब उसका सोना भी हती कि आप रोजे की हालत में इफ्तारी लेने बाजार जाते हैं वो घूम फिर बाजार में रहा है शॉपिंग के लिए खरीदो फरोख्त के लिए इफ्तारी का सामान लेने के लिए बच्चों के लिए सामान लेने के लिए लेकिन बाजार में घूमना भी अल्लाह के घर में इबादत के बराबर हो जाता है इसे सवाब मिल रहा है इसे सवाब मिल रहा है अब ये बरकतें देखिए है क्या हैं और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इसी हदीस में हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तवाली में इर्शाद फरमाया बरकतें क्या हैं फरमाया इसमें नफल अदा करो तो फर्जों के बराबर सवाब मिलता है और अगर एक फर्ज अदा करो तो अल्लाह पाक सत्तर फर्जों के बराबर सवाब देता अब ये बरकतों को लिखते जाइए गिनते जाइए कैसे हो रही है एक फर्ज सवाब सत्तर का नफल सवाब फर्जों का कुरान की एक आयत सवाब सत्तर आयतों का अल्लाह की राह में एक पैसा सवाब सत्तर का और फिर मेरे अल्लाह की तो शानी ऐसी है कि वो फिर सिर्फ सत्तर तक नहीं रहने देता एक अजीब हदीस है इस उम्मत के लिए कि इस उम्मत में से सत्तर हजार बंदा क्यामत वाले दिन ऐसा होगा जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में चला जाएगा अब लोगों के दिलों में ख्याल आया यार ये सत्तर हजार उम्मत तो अरबों खरबों गुजर रही है और आएगी तो ये सत्तर हजार तो कुछ भी नहीं ये तो मामूली हो गया जवाब आया उन सत्तर हजार में से एक एक आदमी सत्तर सत्तर हजार को जन्नत में ले जाए एक एक आदमी सत्तर सत्तर हजार को जन्नत में ले जाएगा एक एक अब एक एक को सत्तर सत्तर हजार से ज़रब देते जाइए तो ये खुद एक तादाद अरबों के बराबर चली जाती है बरकतें क्या हैं सदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह फरमाते हैं कि मैं कभी फजर की अजान के लिए मस्जिद नबी में ऐसे वक्त में गया कि पाक नबी सल असल्लम शहरी खा रहे हैं तो आप सल्ला व इर्शाद फरमाते बिला लाओ बरकत वाला खाना खा लो अब खाना भी बरकत हो जाता खाना भी बरकत हो जाता यानी देने वाले की देन देखिए कि कैसे कैसे बरकतें बना रहा है एक हदीस मिलती है आप वसल्लम ने निशाद फरमाया बच्चों को तहनीक कराया करो तहनीक का मतलब क्या होता है कि मासूम बच्चा किसी बुजुर्ग आदमी से को मीठी चीज जी चबा कर दे दो वो पहली खुराक बच्चों के मुंह में वो डाला करो मीठी भी हो और बुजुर्गों की चबाई भी हो अब उसमें क्या बरकत होगी मेरे एक अजीज़ हैं मुझे आज भी याद है कि उनके माँ बाप बचपन में दो तीन दिन का था कि उनके उस्तादों के पास माँ बाप उस बच्चे को उठाकर ले गए कि हजरत तहनीक कर दें तो बजाय तहनीक के उन्होंने अपनी थूक बच्चे के मुँह में डाल दी अब थूक आदमी तो आजकल के लोग तो वैसे ही नफरत करते हैं थूक वाले आदमी को तो इस कोरोना बीमारी में वैसे ही दूर भगाते हैं और वैसे भी लोग अच्छा नहीं समझते लेकिन उस थूक की बरकत क्या हुई कि आज वो बेहतरीन कुरान का कारी है बेहतरीन कि उस थूक के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी बरकत डाली कि आज माँ बाप भी और दूसरे दोस्त अहबाब भी जब उसका कुरान सुनते हैं सुबहान अल्लाह अल्लाह पाक ने क्या आदा दी है क्या अंदाज दिया है एक औरत थी मदीने में बड़ी बेबाक सी मर्दों के साथ मजाक करना दफा आप वसल्लम खाना खा रहे थे तो कहीं करीब से गुजरी तो उसे मजाक की सूंझी तो मजाक में कहने लगी खुद खा रहे हो मुझे दावत ही नहीं देते पाक कह रही, अब आपने फरमाया, आओ, हंस के फरमाया खाओ मेरे साथ बैठकर वो कहने लगी नहीं ऐसे नहीं मैं वो लुकमा खाऊंगी जो आपके मुंह में है आप सल्लाम ने अपना मुंह से निकालकर लुकमा उसके मुंह में डाल दिया हदीस में आता है फिर लुकमा मुंह में डालते ही उसके अंदर अल्लाह पाक ने शर्मो हया का ऐसा उसको जेवर पहनाया कि फिर उसके बाद मदीना पाक की गली में किसी गैर आदमी से किसी ने उसको बात करते नहीं देखा उस खाने के अंदर उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह वाले लुकमे में हदीस है अब सुना देते हैं कि मोमिन के जूठे में भी शिफा होती है अब गालिबा हो सकता है कि आजकल के दुनियादार लोग कहें कि साहब ये क्या दकियान उसी बातें करते हैं पुरानी बातें आज तो बीवी का गिलास अलग है खावन का गिलास अलग है बच्चों का गिलास अलग है माँ बाप के गिलास अलग हैं भाइयों के अलग हैं बहनों के अलग हैं हर एक ने अपने गिलास कप और प्लेटें भी अलग कर रखी है। जब हैं जबकि हजरत आयशरत अल्लाह तरमाती हैं कि जिस प्याले को जहां मैं मुंह लगाकर पानी पीती हुजूर पाक सल्लल्लाहु वसल्लम उसी जगह अपना मुंह लगाकर पानी पीते अब इस औरत ने आप सल्लल्लाहु वसल्लम के मुंह का चबाया हुआ लुकमा लिया है तो अल्लाह पाक ने ऐसी खैर डाली ऐसी फिर शर्म हया की चादर उस औरत ने पहनी कि फिर किसी ने उसको मदीने की गलियों और बाजारों में किसी आदमी से इस तरह बात करते नहीं देखा बरकतें ही बरकतें रमजान में क्या बरकतें आती हैं रमजानुल मुबारक इसका हर मिनट बरकत वाला है इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया अगर किसी ने जानबूझकर एक रोज़ा बगैर किसी शरीयी उज़र के एक रोजा जान बूझ कर छोड़ दिया उस एक रोजे के बदले में सारी जिंदगी भी कजा करता रहे तो रमज़ानुल मुबारक के रोजे का बदला नहीं हो सकता क्यों कि रमज़ानुल मुबारक की ये रातें कहां से लाएगा रमज़ानुल मुबारक की ये दिन कहां से लाएगा रमज़ानुल मुबारक की घड़ियां कहां से लाएगा रमजानुल की बरकतें ये कहाँ से लाएगा इसलिए कि वो बरकतें तो उसी महीने के लिए मखसूस हैं इसलिए अलिया कराम के बारे में पढ़ा है कि रमजानुल रमज़ानुल्बारक के आने से छः महीने पहले वो दुआएं शुरू कर देते थे कि अल्लाह हमें रमजानुल रमज़ानबारक ईमान सेहत व तंदरुस्ती के साथ नसीब कर देना और जब रमज़ानमबारक गुजर जाता तो फिर छः महीने तक सिर्फ ये दुआ करते रहते कि अल्लाह उसको कबूल कर ले अल्लाह उसे कबूल कर ले इतना डर और इतनी तरगीब इतनी मोहब्बत इतनी चाहत रमजान अल रमजानबारक की और आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम भी जब रजब का चांद देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला दुआ करते कि अल्लाह शाबान रमजान भी नसीब कर देंगे हमें शाबान और रमजान तक पहुंचा देना या शाबान और रमजान को हम तक पहुंचा देना ये सारे माने किए जा सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंतजार में होते कि कब रमजान मुबारक आएगा क्यों कि रहमत की घड़ियां बरकत की घड़ियां जो इस्मा है मुबारक में है अब जो आदमी नमाज की इंतजार में बैठता है उसे भी नमाज का सवाब मिलता है जो ऊँगता है बैठकर मस्जिद में नमाज से पहले उसे भी नमाज का सवाब मिलता है और जो नमाज पढ़कर थोड़ी देर कमर सीधी करने को लेट जाता है तो उसे भी नमाज का सवाब मिलता है ठंडे पानी से गुसल करता है रोजे की हालत में यह भी अजरों सवाब में लिख दिया जाता है किसी से मीठा बोल बोल लेता वैसे भी अजरो सवाब का काम है लेकिन अल्लाह पाक उसमें बरकतें इतनी डालता है कि उसके अंदर अल्लाह पाक असर डाल देता असर डाल देता आप कोशिश किया करें कि छोटे छोटे बच्चों को भी शहरी इफ्तारी में साथ बिठाएं एक तो आदत बनती बड़ों की आदतें औलाद अपनाती है छोटे अपनाते हैं नंबर दो उनकी झोलियां भी इस महीने की बरकतों से भर जाए बरकत से खाली कोई ना रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्षाद फरमाया बरकत वाला महीना और फिर अल्लाह पाक अगर किसी को इस इस्मा मुबारक में उमरा नसीब कर दे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बरकतें अजीब इर्शाद फरमाई फरमाया जिसको अल्लाह ने उम्रा नसीब कर दिया वो यूँ समझे कि वो मेरे साथ उम्र कर रहा है मेरे साथ उम्रा कर रहा है अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उमरा का नसीब हो जाना ये क्या है ये बरकतें हैं और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशात फरमाया रोजाना गालिबनबाज जगह तो तादाद भी मिल जाती है कि दस बीस लाख आदमी की हर रात में अल्लाह पाक बख्शिश फरमा देते हैं और जितने महीने में जितनी तादाद की बख्शिश होती है रमज़ान की आखिरी रात में अल्लाह पाक उसके बराबर में इतने आदमियों की बख्शिश कर देता ये बरकत क्या कम है कि अल्लाह पाक ने जहन्नम को बंद कर दिया है और जन्नत को अल्लाह पाक ने खोल दिया है शयातीन को कैद कर दिया है वसवसा डालने वाला बहकाने वाला वो जेल में चला जाता है अच्छा फिर भी कभी कभी ऐसा होता है आदमी उसके बावजूद भी गुना करता है आदमी सोचता है शैतान तो कैद है तो भाई हम तो शैतान की राह पे इतने चल जाते हैं कि हम खुद शैतान की चादर पहन लेते हैं वो चला भी गया खुशी से जाता है मेरे काम करने वाले हैं या फिर उसके चेले चांटे ही ऐसे ही हो जाते हैं या हमारी तबीयतें ही ऐसी ही हो गई हैं कि वो खुद बेफिक्रा होकर चला जाता है उसका काम चल रहा होता है उसका काम चल रहा होता है ये बरकतों वाला महीना ये जो ईद है ना ईद मुबारक के बाद जिसको ईद फितर कहा जाता है ये क्या मुबारक के चले जाने पर हम खुशी मनाते हैं नहीं दोस्तों अगर हम मुबारक के ख़त्म होने पर खुशी मनाते हैं तो हमसे तो बड़ा जाहल अनपढ़ ला इल्म कोई नहीं कि हमने मुबारक की कदर ही को नहीं जाना बल्कि ने लिखा है हम खुशी मुबारक के पाने पर मनाते हैं कि हमने इसे पा लिया ये हमारे घरों में आ गया हमने इसकी इज्जत कर ली अब हमने इसकी शफात पानी है तो उस इनाम की खुशी में किसी को मेडल मिल जाए किसी को कोई तमगा मिल जाए तो घर वाले भी खुशियां मनाते हैं तो हमारी तो इस्लाम ने खुशी भी ऐसी रखी है गमी भी ऐसी रखी है कि खुशी में भी इबादत और शुक्र है ग़मी में भी इबादत और शुक्र है ये नाच गाने किसी और की खुशियों हो में होते हैं बाकी दिनों में हमारी पांच नमाजें होती हैं ईद आ जाती है तो ईद वाले दिन छह हो जाती है एक खुशी की नमाज पढ़ लो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायायोनासुम शहर आजीम अजमतों वाला महीना जिससे बड़ा अजमत वाला महीना कोई नहीं तुम्हारे सरों पर साया करने वाला है व शाहरु मुबारक बरकतों वाला महीना जिससे बड़ा बरकतों वाला महीना कोई नहीं हर लहजा जिसका बरकत ही बरकत है ये बा जो होती है ना बरकत की जो बा है बा ये बंदे को अल्लाह के साथ मिलाती है ये जोड़ वाली चीज है लकड़ी को जोड़ना हो तो कीलों की जरूरत है कपड़े को जोड़ना हो तो धागे की जरूरत है लोहे को जोड़ना हो तो वेल्डिंग की जरूरत है ईंटों को जोड़ना हो तो सीमट की जरूरत है हर चीज के लिए जोड़ने वाली अल्लाह पाक ने चीज बनाई है बंदा जब अल्लाह से जुड़ता है तो अल्लाह जिंदगी में भी बरकत देता है अल्लाह इलम में भी बरकत देता अल्लाह इज्जत में भी बरकत देता है अल्लाह माल में भी बरकत देता अल्लाह औलाद में भी बरकत देता है। इलम की बरकत का माना यह नहीं होता कि इलम ज्यादा हो जाता बल्कि की बरकत का माना होता है कि वह इलम बंदे को इबादत पर मजबूर कर देता वो इम बंदे को इबादत पे मजबूर कर देता वो वह इम नहीं जो बंदे को गरूर में मुबतला कर दे, देम वो होता है जो बंदे को आजजी में मुबतला कर दे इल में भी बरकत दे देता अल्लाह सेहत में भी बरकत दे देता रोजा ये सेहत की बरकत है आप कभी डॉक्टरों से पूछिए तो डॉक्टर कहेंगे वजूद इंसानी के लिए रोजे से बेहतरीन इलाज कोई नहीं बेहतरीन इलाज कोई नहीं हत्या कि अंग्रेज डॉक्टर भी मुसलमानों को देखा देखी वो भी रोजे रखने शुरू कर देते अल्ला पाक रोजे के अंदर सेहत का एक बहुत बड़ा राज रखा है जो हजरत शेख अब्दुल जिलानी रहमतुल्लाह के बारे में भी मैंने अर्ज किया था कि आपने फरमाया कि रोजा ये तो दिल के लिए एक तिला है कुश्ता है कुश्ता है दिल के और जिसमें इंसानी के जोड़ों के लिए एक बला है निगाहों और नजरों के लिए अल्लाह पाक की एक कथा है कि इससे नजरें बढ़ती हैं नूर बढ़ता है इसलिए कि रोजा खुद एक नूर है नूर नूर से जुड़ता है तो अल्लाह पाक उसका इर्द गिर्द सारे का सारा नूर से भर देते फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया फी है ले मिन अलफ शाहरन कि इस महीने में एक रात ऐसी है उस एक रात की इबादत हज़ार महीने की इबादत से अफजल है ज़िंदगी रही तो इन इस पर कल बात करेंगे अल्लाह आपको मुझे हर जगह जहाँ आप हैं अल्लाह आपको खुश रखे अल्लाह इस महीने की रहमतों से माला माल करे हमारे वो बहन भाई जो अभी तक इस महीने की राहमतों से महरूम हैं अल्लाह उनको भी महरूम ना फ़रमाए अल्लाह उनको भी इस महीने की रहमतों का हिस्सा नसीब फरमाए सुबहान रबिक रब्ज़तम सिफून वसलामसलिन रब्बिल आलमीन